Hey gamers, my name is Akash Saini और मैं आप लोग का आज के इस धमाकेदार टॉप एंड्रॉइड गेम्स की वीडियो में स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे भाइयों, जैसे कि मैंने आप लोगों से कुछ दिन पहले बोला था कि हम लोग टॉप एंड्रॉइड गेम्स की एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिस सीरीज में आप लोग के लिए टॉप कार्टून गेम्स लेकर आऊंगा। तो उस सीरीज को कंटिन्यू करते आज मैं आप लोग के लिए टॉप 5 हाई ग्राफिक पोकेमॉन गेम्स लाया हूं, जिनको आप लोग अपने स्मार्टफोन डिवाइसेस में खेल के एंजॉय कर सकते हो। तो गेमर्स, आप लोग मानोगे नहीं कि 2-3 पोकेमॉन के ऐसे जबरदस्त गेम है जो कि आप लोग को प्ले स्टोर पे मिलेंगे नहीं, लेकिन चिंता मत करो, उन गेम्स के बारे में मैं आप लोग को आज बताने वाला हूँ। तो गाइस फटाफट से हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर मैं आप लोगों से सच बोलूं तो यार, इस वाली वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी है। तो अगर आपको एक भी गेम पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना, जिनसे उनको भी जबरदस्त गेम के बारे में पता चल जाए। तो चलो फिर देर किस बात की, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हम लोग जिस जबरदस्त पोकेमॉन वाले गेम की बात कर रहे हैं, इसका नाम है वॉरक्राफ्ट लिटिल पेट और साइज 700 एमबी का है, और यह वाला गेम खेलने में पूरी तरीके से ऑनलाइन होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि यह वाला गेम आप लोग को प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगा, क्योंकि यह वाला गेम अभी सिर्फ चाइना में है। तो अगर आप लोग खेलने का मन बना लो तो आप लोग या तो थर्ड पार्टी वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग गेम का डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। तो गाइस, ये जो जबरदस्त रोल प्लेइंग गेम है, जिसमें आप लोग अपना कैरेक्टर बनाकर पोकेमॉन दुनिया को एक्सप्लोर करते हो और जो बहुत ही डिफरेंट टाइप के पोकेमॉन से फाइट करनी पड़ती है। तो गाइस, इस वाले गेम में अभी सिर्फ चाइनीज लैंग्वेज है, तो हो सकता है कि आपको गेम को खेलते आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर आप थोड़ी समझने की कोशिश करोगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि अब मुझे कहाँ पे क्लिक करना है। तो वेल गाइस, पोकेमॉन का एक काफी जबरदस्त गेम है, जिसको आप लोग को एज ए पोकेमॉन लवर खेलना ही है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अब मैं आपको जिस जबरदस्त पोकेमॉन वाले गेम के बारे में बता रहा हूँ, उसका नाम है मॉन्स्टर्स ऑफ ग्लोरी, और इस वाले जबरदस्त पोकेमॉन गेम को डाउनलोड करने में आप लोग को 900 MB डाटा यूज हो जाएगा। तो गेमर्स, यह वाला गेम भी आप लोगों को प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगा, लेकिन अच्छी बात यह कि इस वाले गेम में इंग्लिश लैंग्वेज है, तो आप लोग गेम को समझने में आसानी रहेगी और खेलने में और भी मजा आएगा। गेमर्स देखो, यह वाला गेम तो आप लोगों को खेलना ये कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि यार गेम खेलने बहुत ही जबरदस्त है, ग्राफिक्स क्वालिटी भी गेम की इतनी अमेजिंग है, और खेलने में आपको बहुत ही मजा आएगा। ये एक एडवेंचर गेम है, गेम में आप लोग एक जबरदस्त स्टोरी को फॉलो करते हो, उसमें आप लोग गैरी से फाइट करनी पड़ती है, ब्रोक और आपके फ्रेंड बन जाते हैं, और आप लोग जो पोकेमॉन एनिमे सीरीज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर जाते हो, जहां पर आप लोग नए नए पोकेमॉन पकड़ोगे, नए नए चैलेंजेस फाइट करोगे और भी काफी कुछ यार खेलोगे तो पता चल जाएगा। गेमर्स, इस वाले गेम में मेरे को बेस्ट बात ये लगती है कि यार इस वाले गेम में ऑडियो डायलॉग है, और दोस्तों के साथ भी आप लोग इस वाले गेम को खेल सकते हो। तो एट द लास्ट यार, यह वाला गेम भी पोकेमॉन का बहुत ही जबरदस्त गेम है, जिसको आप लोग को एज ए पोकेमॉन लवर खेलना ही है। थर्ड नंबर पे मैं आप लोग को जिस जबरदस्त पोकेमॉन वाले गेम के बारे में बता रहा हूँ, इसका नाम है मॉन्स्टर हंटर और साइज 800 एमबी का है, लेकिन बाद में आप लोग को 200 एमबी का अपडेट भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग इस वाले गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें तो जबरदस्त है, और यह वाला गेम भी पिछले दोनों गेमों की तरह रोल प्लेइंग एडवेंचर गेम है। इस वाले गेम में भी आपको स्टोरी देखने को मिलती है, जिसमें आप लोग काफी सारे जिम ट्रेनर से फाइट करोगे, नए नए पोकेमॉन कैच करोगे, लेकिन पता इस वाले गेम में अलग क्या है कि पोकेमॉन फाइटिंग और गेमों के मुकाबले थोड़ी डिफरेंट है। इसके अलावा आप लोग अपने पोकेमॉन को अपग्रेड कर सकते हो, नई नई स्किल्स अनलॉक कर सकते हो, और गेम में जो बढ़िया सा वर्ल्ड दिखा रखा है उसमें तो घूमने मजा आएगा ही। ओवरऑल यार, ये भी जस्ट पोकेमॉन का एक और जबरदस्त गेम है, जिसको आप लोगों को एक बार तो खेलना ही है। आज के लिस्ट में फोर्थ नंबर पर मैंने जिस गेम को रखा है, इसका नाम है ड्रैको मून और साइज सिर्फ 100 MB का है, और इस वाले गेम को भी खेलने के लिए आप लोग को इंटरनेट ऑन रखना पड़ेगा। तो गेमर्स, ये वाला गेम जो है ना पोकेमॉन का ऑफिशियल गेम नहीं है, तो आप लोग का ये सवाल पूछना है तो बनता है कि फिर मैंने इस वाले गेम को आज की लिस्ट में ऐड क्यों किया। तो इसके पीछे रीजन ये कि अब तक मैंने आप लोग को जितने पोकेमॉन गेम बताए उनका साइज ज्यादा है, तो शायद आप में से कुछ लोग डाउनलोड ना कर पाओ, तो आप लोग इस वाले गेम को खेल लेना, क्योंकि गेम का साइज कम है और ये वाले गेम भी खेलने वाले गेमों की तरह ही है, एडवेंचर गेम होगा, लेकिन इसमें आप लोग को पोकेमॉन के जगह डिफरेंट टाइप के ड्रैगन मॉन्स्टर देखने को मिलते हैं, जिनको आप लोग पकड़ोगे और डिफरेंट टाइप के ड्रैगन ट्रेनर को चैलेंज करोगे। तो गेमर्स, मैं आप लोग को बता दूं कि इस वाले गेम को भी खेलने में आप लोग को बहुत ही मजा आएगा, तो आप लोग को यह वाला गेम डाउनलोड कर ही लेना चाहिए। तो गाइस, लिस्ट की एंडिंग में मैं आप लोग को एक ऐसे पोकेमॉन गेम के बारे में बता रहा हूँ, जो कि यार जब लॉन्च हुआ था तो उस समय यार जो भी मेरी तरह अपने मोबाइल में गेम खेलता था, हर कोई इस वाले गेम को खेलने में लगा पड़ा था,
और अब भी आप लोगों से काफी सारे लोग मिल जाएंगे जो कि अब भी गेम को खेलते हैं। तो गेम का नाम है पोकेमोन गो और साइज स्वयं भी का है और गेम खेलने पूरी तरीके से ऑनलाइन है। तो गाइस गेम का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आप लोगों को पोकेमोन पकड़ने होते हैं, लेकिन मजेदार बात यह कि आप लोगों को एक्चुअली में घर के आसपास घूम के पोकेमोन पकड़ने हैं। इसके अलावा आप लोग डिफरेंट टाइप के लोकेशन पर जाते हो जहां पर आप लोग जिम ट्रेनर से फाइट करते हो। तो गेम सीएलए गेम को खेलने में आपको मजा तो आएगा ही, साथ ही में आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो गेम एट द लास्ट सीएलए गेम पोकेमोन का यूनिक गेम है जिसको मैंने काफी समय तक खेला है। तो अगर आप लोग अब तक नहीं खेले तो आप लोग इस वाले गेम को ट्राई करो, आपको पसंद आएगा। तो गेमर्स ये थे हमारे आज के टॉप 5 पोकेमोन गेम जिनको पहले मैंने खुद खेल के देखा है और जब मुझे लगा कि आप लोग को ये वाले गेम भी खेलने चाहिए तो फिर मैंने आप लोग को इनके बारे में बता दिया। तो गाइस अगर आपको एक भी गेम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट करके बताना कि मैं आगे भी पोकेमोन गेम्स के ऊपर वीडियो बनाऊं या फिर नहीं। तो चलो फिर अब मैं आप लोगों से मिलता हूं अगली वीडियो में कुछ और जबरदस्त एंड्रॉइड गेम के साथ। जब तक के लिए सायोनारा।